हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? पैन फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे और सब भले चंगे होंगे। और ये देखिए, मैं बना रही हूँ, ये है नेनुआ। नेनुआ हेल्दी है तो नेनुआ की मैं सब्जी बना रही हूँ। तो अभी बज गए हैं, मतलब 12 बज गए हैं, तो 12 बजे से मैं अपना लंच बना लेती हूँ। तो नेनुआ ही की सब्जी बना रही थी और नाश्ता हम लोग का हो गया था, नाश्ता वगैरह हो गया था। और मैं सब्जी तो यहीं पे बैठ के ही काटती हूँ ज़्यादातर, और कभी कभी रूम में भी काट लेती हूँ। और जल्दी जल्दी रहता है तो किचन में ही फटाक से काट के और बना लेती हूँ। तो बस मैं छील उल के रख ली हूँ। और इसकी भी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो चावल के साथ अच्छा लगेगा। चना दाल डाल के बनाइए या फिर चना डाल के बनाइए, ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैं तो हर तरह से बना के ट्राई करते रहती हूँ। तो देखिए, मैं आप लोगों से बातें करते करते, और प्लीज़ दोस्तों पूरा वीडियो देख लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस आप लोग अपना मतलब कि सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों, बस आप लोग से बहुत मुझे आशा है। तो बस मैं सब्जी काट ले रही हूँ और धो के और फिर सब्जी छौंक दूँगी। तो ये देखिए, मैंने सब्जी छौंक दिया था और मेरी सब्जी ना थोड़ा हो गया, तो हो जाएगा, लंच में हो जाता है। और बस मैं इसे मतलब इसमें पानी छोड़ देता, तो ये देखिए अभी पानी पानी टाइप था और मैं ऐसे ही बना दी थी, इसमें कुछ भी नहीं डाला था, सिंपल सा। और इसमें प्याज डाल, खल में प्याज डाली हूँ, तो प्याज भून के और फिर इसको छौंक दिया। और ये देखिए, इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, और ताज़ा ताज़ा रहे तो और भी टेस्टी लगता है। और फिर मैं मिल रही हूँ एक बार ही शाम को, फिर शाम के अभी बज रहे हैं 4, तो 4:30 बज रहे हैं, और बच्चे लोगों को लग गया है छोटा मोटा भूख, तो भूख लग गया है। तो मैं बना दे रही हूँ ब्रेड सैंडविच। तो मैं चोखा बना के दोपहर में रखी थी, तो चोखा है, ब्रेड मैंने मंगा लिया है, और सैंडविच मैं बना दे रही हूँ सॉस लगा के ब्रेड पे। तो बच्चे लोगों का तो फेवरेट ही है और इससे पेट भी भर ही जाएगा। तो ये देखिए, बना दे रही हूँ। और बच्चे अभी मेरा बेटा का थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था, तो बस वो कुछ खा नहीं रहा था ज़्यादा कुछ, तो अभी मतलब मैं ब्रेड देख के दे रही हूँ अगर। और मेरी ब्रेड सैंडविच बन रही है अभी। और बस ये देखिए, मैं बोल रही थी कि देखिए, मेरे इस नए घर में खुशियों के साथ पीछे पीछे मुसीबत भी चली आई है। और क्या कहते हैं, देखिए पहले इसके पापा का तबीयत ख़राब हुआ, और अब मतलब कि मेरा बेटा का तबीयत ख़राब हो गया है, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो बस हम लोग मतलब कि जल्दी जल्दी में शिफ्ट किए यहाँ पे, उतना हम लोग को टाइम नहीं मिला पूजा वगैरह कराने के लिए, तो मैं अपने से ही पूजा वूजा कर रही हूँ। जैसे वो वाला घर में मैं गई थी तो पूजा वगैरह करा के ही गई थी, और इसमें अभी मैंने पूजा वूजा पंडित जी से नहीं कराया है। और ये देखिए, मेरी ब्रेड सैंडविच तैयार हो गई है दोस्तों। तो आ जाइए आप लोग भी, और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी कुरकुरा सा बना है, बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। तो आ जाइए आप लोग भी आके, और लंच में तो मैं दिखा नहीं पाई थी, तो चलिए शाम का स्नैक्स में ही आ जाइए आप लोग, तो बुरा नहीं मानिएगा दोस्तों, आज मैंने नहीं दिखा पाई खाना पीना वाला। तो चलिए, कोई दिक्कत। और बच्चे लोग का तबीयत ख़राब रहता है ना, तो कुछ भी याद नहीं रहता है, सब भूल जाते हैं हम लोग, और बस ऐसा ही हो जाता है। तो इसीलिए मैं भी ऐसे ही, मतलब मेरे साथ भी हो गया आज, और आज क्या कभी कभी हो ही जाता है। तो रोज़ तो मैं आप लोगों को खाना पीना मतलब दिखाती हूँ और बनाते भी दिखाती हूँ, तो आज मैंने ज़्यादा खाना पीना वाला शेयर नहीं किया है, तो शाम का स्नैक्स ही शेयर कर दिया आपके साथ। तो चलिए, मतलब कि क्या करें, कभी कभी हो जाता है। और बेटा का भी तबीयत ख़राब है, और इनका थोड़ा मोड़ा भी ठीक है, लेकिन ये मतलब फिर से हो जाता है। और ये शाम का टाइम हो गया है, तो मैंने उन लोग को बना दिया जाएगा जिगर की इधर से। और बस मैं यहाँ पे अपने गेट के पास खड़ी हूँ, तो गेट के पास खड़ी हूँ, अब मैं सोच रही हूँ छत पे जाने के लिए। तो बस मेरा ना पता नहीं क्यों शाम को मेरा मन करने लगता है छत पे जाने का, तो अभी तो फिलहाल मैं अभी घर में ही हूँ, अभी मैं जाऊँगी। तो बस अभी मेरी बेटी भी आई है, तो उसे भी मैंने ब्रेड सैंडविच बना के दे दिया है, और उसके बाद फिर मैं देख लेती हूँ। चलिए, मैं छत पे चलती हूँ और बेटी को दे दिया है, तो उसे पूछ लिया मैंने कि तू कुछ लोगी कि नहीं, तो वो बोली कि नहीं मैं कुछ नहीं लूँगी। और बस वो अपना खा पी रही है, और मेरा बेटा भी खा रहा है, तो बस वो भी आ जाएगा बाद में खा के। तो मैं चली छत पे,
और मुझे ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मतलब मन एकदम घर में रह रहे एकदम बोरिंग जैसा लगने लगता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आधा घंटा के लिए भी आती हूँ लेकिन आ जाती हूँ कभी, और कभी कभी मिस हो जाता है लेकिन मैं आ जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा सीडी है, तो सीडी आप लोग शायद नहीं देखे होंगे यहाँ पे, तो बस मैं आ गई छत पे, ये देखिए। और छत पे एकदम खुला खुला माहौल मिलता है और एकदम अच्छा लगता है, जैसे हवा भी फ्रेश, एकदम हवा फ्रेश तरोताज़ा मिलता है। और यहाँ पे ये क्या कहते हैं चिड़िया की चूर और फिर ये सब मिलता है देखने को, तो बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम में। इसलिए मुझे सभी 6 बजने वाला है और यहाँ पे अच्छा लगता है, तो मेरा बेटा भी चला आया है छत पे, तो वो भी मेरे बिना नहीं रह पाता है, तो वो मैं जहाँ रहती हूँ ना वो भी वहीं पे आ, मतलब उसको भी वहीं पर अच्छा लगता है। तो बस मेरा बेटा भी आ गया और हम माँ बेटे दोनों छत पे घूम रहे हैं। मेरी बेटी बच्चे पढ़ाई कर रही है क्योंकि उसका बहुत आजकल होमवर्क वगैरह हो जाता है, इसलिए वो पढ़ाई कर रही है और मैं छत पे घूम ले रही हूँ। और अच्छा लगता है, हरा भरा एकदम, बारिश के बाद एकदम चेंज हो जाता है मौसम, और थोड़ा ही बारिश हो रहा है लेकिन चारों तरफ एकदम हरियाली है, देखिए इतना अच्छा लग रहा है। तो इस ये सब तो देखने को मिलेगा नहीं नीचे, इसलिए मैं देखने आ जाती हूँ और अपने आँखें देखने आ जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मेरा बेटा भी यहाँ बैठ के अपना मोबाइल में कुछ देख रहा है और बस मैं दोस्तों यहाँ पे एक कबूतर आ गया है, तो यहाँ पे एक मतलब रखा हुआ था बर्तन, उसमें पानी रखा हुआ था, मैंने आपको एक दो बार दिखाया है वीडियो में, तो देखिए वो पानी पीने आया है लेकिन उसे पानी वहाँ पे नहीं मिला, तो बेचारा इधर उधर देख रहा है किधर है, और बस कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है, तो पता नहीं मिला कि नहीं मिला, तो बस ये देख के उड़ गया। और यहाँ के मकान मालिक जो रहते हैं ना, वो देखिए कितनी सारी कबूतर चिड़िया यहाँ देखने, यही ये सब घर में बैठ के कहाँ मिलता है देखने को, इसीलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ चिड़िया देखने में। ये देखिए सब बैठा हुआ है यहाँ पे और बहुत अच्छा लगता है इतना पास पास से देखने में, एकदम सामने आके बैठ जाता है, तो मैं थोड़ा मोड़ा दाना भी ले आती हूँ नीचे से कभी कभी, और ये देखिए, और बस उन लोगों को डाल देती हूँ तो वो लोग ना और भी आ जाते हैं एकदम सामने, और बहुत प्यारा लगता है मुझे ये सब देखने में। और आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके बताइएगा, ये सब हरियाली वगैरह और फिर चिड़िया ये सब कहाँ, मुझे तो बहुत पसंद है ये सब। तो ये देखिए ये पेड़ में सब बैठ जाते हैं आके शाम को, और फिर इधर भी हैं कुछ, और फिर हम लोग के घर के पास ही बैठ जाता है सब के सब। और यहाँ पे ये देखिए ये बच्चे लोग आए हैं खरगोश लेने के लिए, तो ये मैं दिखाई थी ना वीडियो में खरगोश, तो उन्हीं का बच्चा सब है छोटा छोटा, तो वो लेने के लिए आए हैं लगता है, मतलब वो लोग बोले होंगे खरीदने के लिए, तो वो बोल रही इतना सारा ऐसे भी खरगोश कोई क्या करेगा, तो वो एक दो ठो दे देगी अगल बगल वाले लोग को, तो इसीलिए वो आए हैं। तो मैं ऊपर से देख रही थी छत पर से ही वीडियो बना ली थी थोड़ा सा, और बस अब फिर अब थोड़ा सा मैं इधर से उधर टहल लूँगी, थोड़ा एक्सरसाइज टाइप का हो जाता है, फिर उसके बाद मैं चल रही बस ये देखेंगे, देख लेंगे अब टंकी भरने वाला है तो अब भर जाएगा, तो फिर
बना दूंगी और सब्जी कुछ भुजिया वगैरह सूखी सब्जी बना दूंगी तो हो जाएगा। और खीर तो बच्चे लोग भी पसंद आता है, लेकिन उसमें कुछ ड्राई फ्रूट अगर ना डाले तो मैं कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ, क्योंकि उन लोगों को खाने का मन करता है तो मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि उन लोगों को फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। तो बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए दिन के साथ, तो उस तब तक के लिए बाय और शुभ रात्रि। और ये देखिए मेरी खीर बन रही है, तो आप लोग भी आ जाइए खीर खाने के लिए अगर आप लोगों को पसंद है तो। और बस मेरी खीर तो अभी बनने में थोड़ी सी टाइम लगेगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए बाय, लव यू ऑल।